Good morning, students and parents. Today date is 9 June 2021 and today is Wednesday. आज है 9 जून 2021 और आज है बुधवार और आज जो हमारी होम स्कूलिंग डे 4 का टॉपिक है वो है आईज, आंखें, माय सेंस ऑफ साइट आईज. तो शौर्य एंड सात्विका, वेयर इज योर आईज? टच योर आईज, वेरी गुड. और आंखें हमारी कितनी सुंदर होती हैं, जो हमें देखने में सहायक होती है. तो आज बच्चे यही सीखेंगे. तो सात्विका के आगे हमने एक फेस रखा हुआ है जिसमें है आईब्रोज, नोज एंड माउथ बना हुआ है, लिप्स बने हैं. तो आईज हमने रखी है बाहर. तो सात्विका आईज लगाओ फेस में. कहाँ लगाओगे आप आईज? लगाओ लगाओ आईज, आईब्रो के नीचे लगाओ फेस में. एक आईज यहाँ लगेगी, दूसरी कहाँ लगेगी सात्विका? आईब्रो के नीचे लगेगी. ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटी हम करवा लेंगे. ये बन गया हमारा फेस. और हमें क्या चाहिए होता है आईज के लिए? आईज की प्रोटेक्शन हम किससे करते हैं? गॉगल्स से. जब हम सन में जाते हैं तो हम गॉगल्स लगाते हैं, और जब हम स्विमिंग करते हैं तब भी हम स्विमिंग का गॉगल पहनते हैं, है ना? वेरी गुड. तो ये हमारे हैं आंखों के रक्षक. और हमारे पास एक टेलीस्कोप भी है जो हमने बस इस तरीके से ही बना लिया है. टेलीस्कोप क्या होता है? दूरबीन, जिससे कि हम दूर की चीजों को देख सकते हैं पास में. तो इस तरीके से आप बना सकते हैं. बस हमने एक गोल सा बॉक्स ले लिया है. तो ये हमारी हो गई दूरबीन. दूरबीन भी हमारे, हम देख पाते हैं दूर की चीजें, ये हमारी हेल्प करती है. तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर से. हम थैंक यू करेंगे गॉड को कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर आंखें दी, दो आंखें दी, जिससे हम ये संसार देख पा रहे हैं. तो चलें आ जाएं प्रेयर के लिए. आ जाइए जल्दी से. ओके, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे. वेरी गुड. थैंक यू गॉड For this beautiful day. Thank you, God, for giving me two eyes for seeing. Thank you, God, for giving me the chance to see this day. Thank you, God, for loving me. Thank you, God. Thank you, God. तो हमने धन्यवाद करा है प्रभु का कि आपने हमें इतनी सुंदर दो आंखें दी जिससे हम पूरा संसार देख पा रहे हैं. थैंक यू गॉड, आपने हमें चांस दिया अगला दिन देखने का. थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू आईज देने के लिए जिससे हम देख पा रहे हैं सब कुछ. ओके, अब माता रानी को जय करेंगे और योगा टाइम हो रहा है. आ जाइए योगा करने जल्दी से, शौर्य एंड सात्विका. अब आज की योगा भी आईज की ही होगी क्योंकि आज आईज का टॉपिक है. तो आईज की ही एक्सरसाइज भी होगी. तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज कि सात्विका हमें सिर्फ अपनी आईज को हिलाना है, ठीक है, अपने सर को नहीं हिलाना. तो हम आईज क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे आईज से, आईज का जो बॉल है उसे ऊपर करेंगे और आईज को नीचे करेंगे. लुक ऑल द वे अप टुवर्ड योर आईब्रोज, अपनी आईब्रोज को देखने की कोशिश करेंगे. सात्विका अपनी आईब्रोज को देखो ऐसे करके, आंखें ऊपर करके. लोअर योर आईज ऑल द वे डाउन टू योर नोज. अब अपनी नोज को देखने की कोशिश करेंगे बट सर नहीं हिलाएंगे. सात्विका आईज से अपनी नोज देखो, आईज की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम. एक बार आईब्रो में देखो ऊपर, एक बार नोज में देखो नीचे. अप डाउन ऊपर नीचे आईब्रो नोज. ओके रिलैक्स, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लो. अब आपको क्या करना है, क्लोज करनी है आईज और ओपन करनी है आईज, ठीक है. जब मैं कहूंगी क्लोज तो क्लोज, जब ओपन तो ओपन. क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज करो सात्विका, बंद करनी है. ओपन क्लोज, सात्विका क्लोज ओपन.
क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, रिलैक्स योर आईज। ओके, अब हम करेंगे आई पामिंग। आई पामिंग कैसे करते हैं, जो हमारे पाम है, जो हमारे हैंड्स है ना सात्विका, उनको हम रब करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हम उन्हें आईज में लगाएंगे। तो रब करो, रब करो, वार्म योर हैंड्स बाय रबिंग देम टुगेदर। अपने हाथों को रब करो, रब करो, ताकि वो गर्म हो जाए, बहुत गर्म हो जाए। रब 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 रब। क्लोज योर आईज, आईज को क्लोज करेंगे एंड प्रेस द पाम, ब्रीथ डीपली एंड स्लोली इन दिस पोजिशन फॉर 5 मिनट्स। शौर्या, आपकी आईज दिखने चाहिए। सात्विका, हैंड्स को रब करो अच्छे से और आंखें क्लोज करके, हाँ, हाथों को लगाओ, लगाओ आईज में, लगाओ आईज में, लगाओ, हाँ, ऐसे, वेरी गुड। और अब आप नहीं सात्विका, भी नहीं, हाथ हटाना, हाँ, हाथ लगा कर रखो। और अब डीप हम ब्रीथ लेंगे, सांस लेंगे, सांस लीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब भी नहीं हटाना सात्विका, जब मैं हटाऊंगी तब कहूंगी तभी। ओके ओके, तो इस तरीके से सात्विका, आपको हटाना नहीं है। ओके, सांस तो ले ही नहीं रहे हो, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ लेनी है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ओके, धीरे धीरे हाथ हटाएंगे। ओके, ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। ओके, तो इस तरीके की आईज की एक्सरसाइज करने से हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। और अब जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं इंडोर प्ले। अब हम खेलेंगे, तो सात्विका आ जाइए यहाँ पर। यहाँ मैंने कुछ रखे हैं बॉक्सेस एंड बोटल्स, और उनके ढक्कन भी अलग अलग कर दिए हैं। तो सात्विका लगाएंगी उनके ढक्कन, देखते हैं सात्विका सही लगा पाती है नहीं। तो सात्विका लगाएंगी, पहले देखकर लगाएंगी, फिर हम ट्राई करेंगे कि सात्विका आंखें बंद करके लगा पाती है नहीं। तो अभी तो सात्विका देख देख के लगाएंगी। अरे ऐसे लगा दो, सिंपल लगा दो, टाइट लगाने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये पता चल जाए कि आपने जिस डब्बे में ढक्कन लगाया वो उसी डब्बे का ढक्कन है, ठीक है? ऐसे लगा दो बस, हाँ, ऊपर से लगा दो बस, बस बस बस। छोरे आप हेल्प करो ढक्कन टाइट लगाने में, हाँ, अब दूसरे में लगाओ। देखो किसका ढक्कन, कौन से डब्बे का है, लगा के देखो अच्छे से। ये इंडोर प्ले हम इसलिए खेल रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि जो हमारी आईज हमें दी हैं गॉड ने, हम कितने लकी हैं, और हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान का कि उन्होंने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, क्योंकि इसके बाद सात्विका आंखें बंद करके इनकी आंखों में पट्टी लगा देंगे हम, और फिर हम देखेंगे कि क्या अब सात्विका उन्हीं डब्बों में वही ढक्कन लगा पाती है नहीं, क्योंकि सात्विका देखकर तो लगा पा रही है आसानी से। वेरी गुड सात्विका, हाँ ठीक है, और लगाओ, दूसरे में लगाओ, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं अलग अलग साइज के डब्बे बोटल्स, ताकि बच्चे थोड़ा ट्राई करेंगे लगाने की। लगाओ, वेरी गुड, लगाओ, जिसका जो है लगाओ। लगाते रहो, इस तरीके से हम ये वाली एक्टिविटी करा लेंगे बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, लग दो, हाँ, अगर ये नहीं लग रहा तो इसका मतलब इसका ढक्कन नहीं है, ये इसका ढक्कन नहीं है इसलिए नहीं लग रहा होगा ना बेटा। वेरी गुड, हाँ, और लगाओ, और लगाओ, वेरी गुड, ठीक है, टाइट भैया कर देंगे। सॉरी, आप ये हेल्प करो टाइट करने में बस। और सात्विका, और देखो, अब बस दो बॉक्सेस बचे हैं आपके पास, वेरी गुड। सात्विका ने बहुत अच्छी तरीके से एक्टिविटी करी है, ठीक है, हाँ, ऐसे रख दो।
सात्विका ने सारे डब्बों के ढक्कन लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी तो हो गई है। अब हम देखते हैं कि आंखें बंद करके सात्विका लगा पाती है या नहीं। ठीक है, क्लैपिंग शॉर एंड सात्विका, वेरी गुड। तो सात्विका की आईज में हमने लगा दी है पट्टी। अब सात्विका करो स्टार्ट, और ढक्कन दोबारा से हमने निकाल दिए डब्बों में से। अब देखते हैं सात्विका कर पाती है नहीं। सात्विका ही बहुत छोटी है, बट हम सिर्फ इसलिए प्ले कर रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारे लिए आंखें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, और बिना आंखों के हम कुछ भी नहीं देख पाते। जो काम हमने आंखों से देखते हुए बहुत इजीली कर लिया, वो हम आंखों के बिना नहीं कर सकते। ओके सात्विका, प्रॉब्लम आ रही है तो शौर्य भैया के लगा दूं पट्टी। ओके, तो शौर्य भैया आपके पट्टी लगा देते हैं, अपनी ले लो पट्टी, लगा लो आप। तो शौर्य भैया करेंगे ये वाली एक्टिविटी, मैं करती हूँ। चलो, शौर्य के हमने लगा दिए पट्टी क्योंकि सात्विका बहुत छोटी है। तो शौर्य स्टार्ट करो। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हम टच करके ही फील कर पाते हैं किसी चीज को। तो बच्चों को एहसास होना चाहिए कि आंखें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। इस एक्टिविटी के बाद हम आईज की राइम करेंगे, और उसमें यही बताया गया है कि हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे लिए आंखें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आंखों से ही हम देख पाते हैं, और अगर हमारी आंखें ना हो तो हमें सब कुछ अंधकार नजर आता है। तो शौर्य ने एक्टिविटी कर ली आंखें बंद करके, क्योंकि शौर्य बड़े हैं इस वजह से वो कर पा रहे हैं, वो फील कर पाते हैं टच कर करके। सात्विका भी छोटे हैं, लेकिन सात्विका ने भी बहुत अच्छी एक्टिविटी करी थी क्योंकि उन्होंने आंखें खोल कर करी थी। तो वेरी गुड, शौर्य एंड सात्विका के लिए क्लैपिंग, वेरी गुड। इंडोर एक्टिविटी के बाद बच्चे करेंगे राइम, तो स्टार्ट करें बच्चों। yes. सुंदर सुंदर प्यारी आंखें, सुंदर सुंदर प्यारी आंखें, दो है पास हमारे आंखें, दो है पास हमारे आंखें, बंद आंखों से कुछ ना दिखता, बंद आंखों से कुछ ना दिखता, आंख खुले तो सब कुछ दिखता, आंख खुले तो सब कुछ दिखता, आंखें करती अपना काम, हम रखते आंखों का ध्यान, आंखें करती अपना काम, हम रखते आंखों का ध्यान। और इस तरीके से हम स्टोरी भी सुनाएंगे बच्चों को कि किस तरीके से हमें अपनी आंखों की केयर करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अब आंखें जो हमारा टॉपिक है, आईज हमारा जो टॉपिक है, उसी से रिलेटेड स्टोरी भी होगी। तो यहाँ शौर्य और सात्विका बैठे हैं, शौर्य बनेंगे डॉक्टर और सात्विका एक गर्ल है जो पेशेंट बनी है आंखों की, जिनकी आंखें थोड़ी बहुत खराब हो रही हैं, जिनको थोड़ा कम नजर आ रहा है। तो सात्विका जाती है डॉक्टर के पास, और सात्विका बोलो डॉक्टर से कि आजकल ना मुझे थोड़ा सा कम नजर आने लगा है, थोड़ा सा धुंधला नजर आने लगा है। तो डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि क्या आप फोन और टेलीविजन ज्यादा देखती हो? तो सात्विका बोलेंगे यस, हाँ। तो शौर्य बोलेंगे आपको नहीं देखना चाहिए। शौर्य आप क्या बोलोगे? आपको दूर से देखना चाहिए बहुत। आपको कम देखना चाहिए और दूर से देखना चाहिए। और आप खाने में क्या क्या खाते हो? आप हेल्दी फूड खाते हो, वेरी गुड। तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए जो विटामिन ए से भरपूर हो, क्योंकि आंखों के लिए विटामिन ए ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें क्या आता है, एप्पल आता है, कैरेट आता है, अनार आता है। तो आपको ये ज्यादा खाना है। ओके ओके, और आपको क्या करना है, जब आप रीडिंग करोगे, कोई पढ़ाई करोगे या लिखाई करोगे, रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे, तो आप फुल लाइट में करोगे, अंधेरे में तो नहीं पढ़ोगे।
जब डल लाइट हो तब आपको नहीं करना, फुल लाइट में करना है, ओके। और जब आप बाहर जाओगे तो आपको डायरेक्ट सन को नहीं देखना, ठीक है। जब भी हम लाइट जो होती है लाइट को नहीं देखते आंखों से, ठीक है, जो ज्यादा लाइट होती है, जब गॉगल लगा कर देखना है, ओके। और जब आप पढ़ाई करोगे तो नॉर्मल डिस्टेंस में करोगे, ठीक है। और अपनी आंखों को आपने रब नहीं करना, ऐसे ऐसे आंखों को छेड़ना नहीं है बार बार, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो आपको अपनी आईज में हाथ नहीं लगाना बार बार। और अगर आप सैनिटाइजर यूज करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपकी आंखों में ना लगे, ठीक है बेटा। तो डॉक्टर आपको ये समझाएंगे कि आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी ड्रिंक पीनी है, और आपको जो टेलीविजन देखना है या फोन देखना है वो दूर से देखना है, ठीक है। और अपने जो आईज हैं उनको हैंकी से साफ करना है, ठीक है। और जब आप पढ़ाई करोगे तो आप प्रॉपर लाइट में करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐसी स्टोरी क्रिएट करी है। तो आईज का टॉपिक हो चुका है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि आईज के आउटडोर गेम्स के लिए आंख में चोली खेल लेते हैं, ठीक है। तो शौर्य की आंखों में लगेगी आंखों की पट्टी और सात्विक का भागेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब आउटडोर गेम में शौर्य एंड सात्विक खेलेंगे आंख में चोली। शौर्य ने लगा ली है आंखों में पट्टी, तो स्टार्ट करते हैं। सात्विका भागो भागो भागो, सात्विका भागो, अरे नहीं यहाँ नहीं भागना आपने। हाँ यहाँ को भागना है, हाँ 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 हाँ, वहां भागो वहां भागो वहां भागो वहां भागो 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 भागो, अरे पकड़ लिया। अब है सात्विका की बारी। अब सात्विका की आंखों में लगेगी पट्टी, ठीक है, और शौर्य भागेंगे। तो सात्विका की आंखों में पट्टी लगा दो, लगा दो फटाफट से, आंखें बंद करो। अब सात्विका आप भैया को पकड़ो, हाँ पकड़ो पकड़ो। शौर्य थोड़ा सा ऐसे करना कि आराम से भागना आप, क्योंकि वो छोटी है ना। हाँ पकड़ो पकड़ो, थोड़ी क्लैपिंग भी बजाओ। हाँ जहां से क्लैपिंग की आवाज आएगी सात्विका, इसका मतलब भैया वहां है। इतनी तेज मत भागो ना, वो छोटी है सात्विका। हाँ भागो भागो भागो, हाँ। तो इस तरीके से आंख मिचोली का खेम खेल लेंगे बच्चे आउटडोर एक्टिविटी में। इस तरीके से बच्चे इंजॉय करेंगे और बच्चों ने सीख लिया है। अब आपको पता चला हमारे लिए आंखें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे पास आंखें ना हो, सात्विका नो चिटिंग नहीं, सॉरी आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, शायद पास आ जाओ उसके। जाओ सात्विका पकड़ो भैया को, पकड़ लो पकड़ लो। हमारे लिए आंखें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे पास आंखें ना हो तो देखो हमें कुछ भी नजर नहीं आता है ना। सॉरी आप बच्चे के हिसाब से भागो बेटा, वो छोटी है ना, इतनी तेज मत भागो, धीरे धीरे चलो बस। खड़े हो जाओ, चलो अब आउट हो जाओ फटाफट से। तो आज का टॉपिक हो गया आईज का। ये हमारी फाइव सेंसेस में एक सेंस भी है, ज्ञानेंद्रिया हमारी, तो बच्चों ने सीख लिया है। सात्विका हमारी आईज कितनी होती हैं? टू आईज होती हैं, ओके। तो इस तरीके से बच्चे खेलते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। तो बाय कर दें फ्रेंड्स को, बाय बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय पेरेंट्स। आप भी सिखाइए अपने बच्चों को आईज का टॉपिक होम स्कूलिंग में, ओके। बाय बच्चों, शौर्य आउट हो जाओ फटाफट से, अब पास आके आउट हो जाओ, आउट हो जाओ।